अमन ने हमें दिखाए एक हवाई वॉच बड्स, क्या एयरफोन है यार, अभी ड्यूटी से ही आए क्या भाई? ये देखिए इनका भाई, जो आपके व्यूअर्स मेरे व्यूअर्स लाइक करेंगे लेना चाहिए, सिटी जाने के लिए सही है। स्लेटर यहाँ पे है, ब्रेक है, अगर बैटरी खत्म होगी तो आप पैडल भी मार सकते हैं। ये छुटकू वाला कैमरा ना तुम्हारे लिए सही है, खोल रहा है। तो आप लोग कैलकुलेट करो और कंपेयर करो इंडिया में कितना महंगा या यहाँ पे महंगा है, चेक हो जाएगा ना तो अपन अच्छा वाला ब्लॉगर बन जाएंगे। गुड मॉर्निंग माय डियर व्यूअर्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत बेड के साथ। आज फ्राइडे है तो आज की दिनचर्या आप लोगों के साथ फिर पता रहे ब्लॉग में आते हैं ब्रश वगैरह करके। ओके चलिए जी, हमने ब्रश वगैरह कर लिया, अब रेडी हो गए। अभी अभी आया है हमारे सब्सक्राइबर का फोन, तलाबाद में डिलीवरी का काम करते हैं तो वो आ रहे हैं, उनसे मिल लेते हैं, तो सोचा कि आपसे भी मिलवा देते हैं। मिराज नाम है उनका, इससे पहले भी वो आए हैं हमसे मिलने के लिए, तो चलते हैं उनसे मिलते हैं, सोचा कि आप लोगों से भी मिलवा दूं। चलिए देख लीजिए इसी बहाने तलाबाद राइडर के पास बाइक कैसा रहता है वगैरह वगैरह, आइए दिखाते फिर आप। सुबह सुबह हमारे कैंप में कौन आया है? मिराज ब्लॉग, एक ये दूसरी बार आया ना आप, इससे पहले भी आए थे, तो आप बाइक में डिलीवरी करते क्या? तो अभी मैं सो करके उठा हूँ, 10 मिनट हुआ, मेरा भाई का फ़ोन आया था कि फिरोज भाई कहाँ हो, तो मैंने बोला कैम्प में हूँ, तो बोले आ रहा हूँ मैं, तो यार कुछ तो, अरे यार ईद मुबारक हो मेरा भाई सबसे पहले आपको। मेरे के लगातार फिर आया हूँ, अभी ड्यूटी से ही आए क्या? जी जी, रात से ड्यूटी पे हूँ मैं। अरे भाई ये देखिए इनका बाइक वगैरह, ये लोकेशन में ये पूरा चालू करके रखे। 12 बजे से सिर्फ अभी यहाँ से आप चेंज के हो गए क्या? पहले यहाँ पे थे ना, या इधर कहीं पे थे ना आप, जहरा में? जहरा में हूं, अभी भी जहरा में ही है। चलिए इनसे मिल लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। चलिए तो फिर मिराज भाई मिलने एमएफके भाई के चैनल को। यही बाइक है आपका, होंडा सिटी? चलिए ओके, टाइम टू ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में हमारे लिए आया है क्या है, बर्गर यार, एक छोटा वाला, एक ये है स्नैक्स बाइट्स, और ये ग्रांड चिकन, और उसमें कुछ क्या है, इसमें दब गया ये है, ये चीज चटनी वगैरह, और यहाँ पे थम्सअप, स्प्राइट और कोका कोला, ये सब है। ये ग्रांड चिकन, अरे बाबरी बाबा इतना बड़ा कैसे खाऊंगा मैं। आज का नाश्ता हमारा बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग। डेली हम लोग खब्बोस और कुछ खा लेते हैं, लेकिन आज हम खाएंगे ये सब खाएंगे। तो आज हम सुबह सुबह उठे, उसके बाद हमारे मिराज भाई आ गए भाई, थोड़ा मैकडोनल्ड से वो बर्गर वगैरह लेकर के आ गए थे, तो वही उसी से हमने नाश्ता किया, उसके बाद हम उठे, फिर उसके बाद सोचा कि थोड़ा माइक जो लाए थे आसिफ भाई से वो टेस्ट कर लें, और जो मेरा पहले का माइक था उसमें क्या प्रॉब्लम था उसको भी देख लेते हैं, तो फिर माइक के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जब मैं गया था अलगानी में, तो उस टाइम मैं माइक वगैरह देख करके आया था और कुछ वॉच वगैरह भी देख करके आया था, तो अपने लिए एक फ़ोन लेना है मेरे को, तो वो भी इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट व्लॉग में या उससे नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे आपको कौन सा फ़ोन लेना है। लेकिन उससे पहले जरा आप लोग देख लीजिए, जो हम अलगानी में गए थे माइक देखे थे और वॉच वगैरह देखे थे, तो उसको जरा देख लीजिए, फिर मैं यहीं पे बैठा हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ, ठीक है? चलिए इसको जरा देखिए आप लोग, एक एक टी शर्ट के लिए पूरा मतलब इतना बड़ा एरिया कवर करके रखा है, हाँ एसी का 200 गेड़े देता होगा मॉल के अंदर, क्यों अमन? एक टी शर्ट के लिए इतना जगह कवर करके रखा है क्यों? आखिर क्यों, एक टी शर्ट और इतना जगह कवर, किराया भी ज़्यादा होगा ना, 150-200 गेड़े तक होगा। चलो क्या बोल रहे थे तुम, चल रहा है इतना महंगा, और ये एकदम एप्पल जैसा है लिटरली, लेकिन अगर एप्पल जैसी अगर आपको वॉच चेन अराउंड है तो ये अच्छी है। तो ये घड़ी में दो टाइप के आते हैं, ये लेदर और ये टाइटेनियम, दोनों के अलग प्राइस है। ये एकदम मेटल या स्टेनलेस स्टील जैसा है, और अगर आपको एप्पल के बड़े फैन हो और आप हवाई ले रहे हो, हाँ। तो आपको ये लेना चाहिए, देखो ये आपको एकदम एप्पल की फीलिंग दे रहा है। और दूसरा क्या है, और इसको कार वगैरह का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है, और इसको मोबाइल फ़ोन हो गए और वॉच वगैरह हो गए, टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी नॉलेज है इसको। क्या दिखा रहे हो भाई? ये मुझे ये घड़ी प्राइस
प्राइस में अच्छी लगी यार। प्राइस देखो यार 159, ये तो एसी वाली के लिए, ये नॉर्मल, ये 99 दिनार, अच्छा ये 60 दिनार और एप्पल वॉच के बारे में बात करें तो ओनली 89 की डी है। अच्छा है इसका, ये मेरे को मस्त है। ये 99 102, यो गाइस एक बार वापस, एक बार वापस सर रिएक्शन जो कर रहे थे। ओ वाओ क्या है आखिर इसके बारे में क्या है खासियत? यानी ये और 90s का 90s टू 80s का कैमरा है, खींचते ही अंदर पेपर भी होता है साथ में, वो इंस्टेंट कैमरा मतलब इंस्टेंट फोटो निकल जाएगा, फोटो अचानक ही दिखता, लाइक थोड़ी देर के बाद ड्राई हो जाएगा तो दिखेगा। यार GoPro 10 कितने का है? GoPro 10 129 के देगा। तो इंडिया में, इंडिया का प्राइस क्या होगा थोड़ा कैलकुलेट करो तो फटाक से, तो आप लोग कैलकुलेट करो और कंपेयर करो इंडिया में कितना महंगा या यहाँ पे महंगा है। अपने को चाहिए था माइक बोया का, देखो ये मिल गया बोया का माइक, बट प्राइस देखो 16 केडी, बाबा रे बाबा। तो ये चुटकू वाला कैमरा ना तुम्हारे लिए सही है, खोल रहा है दिन के लिए सही है। यार क्या महंगे महंगे कैमरे से यार यहाँ पे देख रहे हो ना यार, प्राइस देखो उसके लेंस देखो, लेंस कैमरे से ज्यादा महंगे हैं। अभी अपन मूव ऑन करेंगे जब कैमरे पे ना, तो फिर अपने पास 1 लाख का कैमरा होगा स्टार्टिंग में, बस 1 लाख करा दो आप लोग कंप्लीट जल्दी से जल्दी, जब 1 लाख हो जाएगा ना तो अपन अच्छे वाला ब्लॉगर बन जाएंगे। ये लैपटॉप मेरे को पसंद आ गया, 199 के डिगे, और ये देखो टच वाला ही बनाया हुआ है यार। अहमद ने हमें दिखा दिया ये बाईसाइकिल यहाँ पर, ये मोटर वाला है, प्राइस ये 160 के डी है ना, मेरे पास 60 के डी हो गए तभी मुझे 100 की है, 160 के डी है ना प्राइस, काफी बेहतरीन है यार। और इस पे इसका वेट कैपेसिटी कितना है, कितना है इस पे वेट? 110 यार काफी अच्छा है यार, 20 केजी। ये फोल्ड भी होता है क्या ऐसा? हां यहां से फोल्ड होता है, आपको एक बार आपको चार्जिंग करे तो सही एक नंबर भी आप यूज कर सकते। कितने किलोमीटर चलता है ये? आपको 40 किलोमीटर। तो पकड़ तो एमन थोड़ा देखो कैमरा, देखना कैमरा चेक कर सकते हो ना, बैठ के चेक कर सकते हैं, बस हवा नहीं, और इसको हॉर्न भी है, रेड भी है, चेक कर सकते बैठ के, देखते है समझते हैं आप लोगों से मिलते हैं, काफी बढ़िया यार है, 20 किलोमीटर जाए 20 किलोमीटर आया उसके बाद, साथ साथ में पैडल भी मार सकते हैं, अगर बैटरी खत्म होगी तो आप पैडल भी मार सकते हैं, बढ़िया है यार। तो हेलो 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 आवाज गूंज रहा है उसमें, दादा परेशान हो गया स्पीड में। हम लोग आए एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, यहाँ पे आप 10 मिनट से 15 मिनट से ऑर्डर दिया जा रहा है, तुम क्या खाओगे? कुछ भी दादा, कुछ भी है क्या? आसे दादा, आसे 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 दादा, आसे एक बार स्पीड में क्या आसे, की क्या आसे? नहीं आसे आसे, मटन है, बीफ है, मच्छी है, चिकन है, बॉम्बे वो वाला फीलिंग नहीं है पहले टाइम में, बढ़िया आसे 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 आसे। लीजिए अफगेंस आ गया अपना खाना, ये है चिकन मसाला, वो है चना मसाला, क्या चना है, और ये चपाती है, सलाद है, तो फिर टूट पड़ो सब लोग, चलो गलीम भाई मिलते हैं आप लोगों को खाने के बाद, ठीक है? ओके तो आ गए आप लोग, तो अब बात करते हैं इस माइक के बारे में। तो देखिए ये जो माइक लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये हमने आसिफ भाई से लिया है, और यहाँ पर उसका बॉक्स है, ठीक है? तो ये कंपनी है, और ये जो माइक मेरा पहले का था, इसका एडेप्टर, जो ये एडेप्टर होता है ना यहाँ पे, देखिए निकल जाए भाई, ये है, ये एडेप्टर इसको बोलते हैं। तो ये वाला माइक मैं इंडिया से मंगवाया था, तो ये काम नहीं कर रहा यार, समझ में नहीं आ रहा है क्यों, तो ये बिल्कुल ही न्यू है अभी ये वाला माइक है, तो इसका ये गुम हो गया, तो इसमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो अगर सपोर्ट करता तो फिर तो मज़ा ही आया था, इसलिए ये हमने आसिफ भाई से लिया है, तो ये अभी यूज़ कर रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग कमेंट बताइए कि कैसा इसका वॉइस है। अभी यहाँ पर ये लगा हुआ है, ठीक है? तो मैंने ट्राई किया नहीं अभी, ऐसे ही लगा करके चालू कर दिया, तो फिर अगर देखेंगे वॉइस नहीं आएगा तो फिर से रिटेक ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके तो फिर अब बात करते हैं इसके बारे में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि भाई
क्लीन शेप में आप बिल्कुल ही अच्छे नहीं लगते हो तो ना किया करो। तो यार क्यों क्यों पता है मेरे कहीं कहीं पे बियर्ड आ रहे हैं, कहीं कहीं पे नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैंने सोचा कि क्लीन शेप करूंगा करूंगा बार बार, तो वो जो नहीं आ रहा जहाँ पे वहाँ पे आने लगेगा। और दूसरी बात ये कि अब हमारे वीडियोज़ के व्यूज़ बिल्कुल ही चले गए, पता नहीं क्यों, इसका रीज़न क्या है आई डोंट नो। मेरे को लगता है कि बहुत गैप हो गया था, उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर इधर उधर हो गए, मेरे वेफकेंस इधर उधर हो गए। तो कोई बात नहीं, हम हिम्मत नहीं आ रहेंगे, बस आप लोगों का कुछ जो भी हमारे वेफकेंस है ना वो सपोर्ट करते रहे, तो हम इंशाल्लाह इसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो फिर आज के इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं किसी और व्लॉग में, बाय बाय, खुदा हाफिज़।